किसी भी देश की सरकार की नीतियों का असल आंकलन लंबी अवधि में उनके असर से नापा जाता है। भारत जैसे विशाल और विकासशील देश में सरकारी नीतियों का यह असर समाज के अंतिम छोर पर बैठे नागरिकों की सेहत से तय होता है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 2019 की ताज़ा रिपोर्ट मोदी सरकार की 2015-16 के बाद से अब तक की विफलताओं की पोल खोलती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार भारत के 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 साल से कम उम्र वाले कुपोषित या कम वजन लंबाई वाले बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार यह इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि ऐसा 1999 के बाद पहली बार हुआ है। इससे पहले 2019 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के 41% अविकसित बच्चों के बाद भारत 38% के साथ दूसरे नंबर पर था और इससे सरकारों द्वारा सालों से की गई मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। इतना ही नहीं, यह मोदी सरकार की बहुप्रचारित आयुष्मान भारत योजना पर भी सवाल खड़े करता है। खास बात यह है कि इस सर्वे में 2020 के महीनों चले लॉकडाउन को शामिल नहीं किया है, वरना स्थिति और भी डरावनी हो जाती। हंगर वॉच के इसी सप्ताह आए सर्वे में भारत के 11 राज्यों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सैकड़ों परिवारों के भूखे ही सोने की बात सामने आई थी। कुल मिलाकर मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास में देश के 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल नहीं हैं। मोदी जी, ऐसे कैसे बनेगा एक सशक्त भारत?